देखो दोस्तों, हर एक इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है, या तो वो हर एक चीज को बिगाड़े या फिर वो हर एक चीज को बनाने की कोशिश करे। बनाना बिगाड़ना इंसान का नेचर है। हमें जो है एडिटिंग की दुनिया में बनाना बिगाड़ना है, ना कि रियल लाइफ में बनाना बिगाड़ना है। रियल लाइफ में हमेशा सोचो कि बनाने की ही सोचो, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले सुपर हीरो जो लैंड करते हैं, वैसे इफेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने वीडियो में, आप एक सुपर हीरो की तरह कैसे लैंड कर सकते हो धरती पर। देखो दोस्तों, उसके लिए क्या है, एक हमें परफेक्ट लैंडिंग की जरूरत होगी। आप एक परफेक्ट तरीके से लैंड करो। मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मैं तो 2-3 दिन प्रैक्टिस किया कि कैसे लैंड करूं, तब जाके ये ठीक से हो पाया। मुझसे नहीं हो पा रहा था तो इस छोटे नवाब को ले लिया, लेकिन ये भी सही से नहीं कर पा रहा, तो आखिर फाइनली मैंने ही जो है लैंड कर लिया। और मैं इसी को एडिट करके आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप एडिट कर सकते हो अपने वीडियोज़ को एक परफेक्ट लैंडिंग लुक देने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है और उसमें वो फुटेज डाल देनी है। उसके बाद उस फुटेज को वहाँ से कट करनी है जहाँ पे हम लोग उछलते हैं। उछलते हुए फुटेज को कट करके इस टाइमलाइन में लाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को बैकग्राउंड। और दोस्तों, शूट करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अपने फुटेज को जो है शूट करके जब वापस आए तो कैमरे को जो है ऊपर कर लें। हमें एक बैकग्राउंड की जरूरत होगी, तो बैकग्राउंड वो रहे ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आसमान की तरफ थोड़ा सा कैमरा को जो है वो मूवमेंट कर दें तो ऊपर से जो है फुटेज आती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड को कर लेते हैं। उसके बाद इस फुटेज को यहाँ पे हम लोग करते हैं कट, और यहाँ पे करते हैं फ्रीज फ्रेम, और इसमें जो है एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं, वो है क्रॉप का इफेक्ट। उसके बाद यहाँ से हम लोग मास्क टूल सेलेक्ट करेंगे और करेंगे अपना मास्किंग स्टार्ट। मास्किंग की ही दुनिया है भाई। यहाँ से मास्किंग हो जाने के बाद हम लोग इस पर इन्वर्ट पर करेंगे क्लिक, और उसके बाद यहाँ से हम लोग लेफ्ट राइट मारेंगे और हमारा जो है बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे ऊपर और हमारा जो बैकग्राउंड है उसको खींच के पूरा कर देंगे, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऐसे रहे। उसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो तो रहेगा कि हम लोग नीचे से जो है ऊपर को उठाएं, लेकिन यहाँ पे हमें उसको रिवर्स करना है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है हम लोग उसे रिवर्स करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे स्पीड एंड ड्यूरेशन पे क्लिक, और यहाँ से जो है हम लोग रिवर्स पे क्लिक करके यहाँ से कर देंगे ओके। तो क्या होगा कि हमारी ये फुटेज जो है वो रिवर्स हो जाएगी, आसमान से जो है हमारे फ्लोर की तरफ ये छत पर आएगी। अब देखो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, लैंड कर रहा है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फोटोज को नेक्स्ट करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोनों को नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से क्या होगा कि दोनों एक ही टाइमलाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो एक ही साथ दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, सेक का इफेक्ट। आप सेक का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, आप अगर कई सारे सेक इफेक्ट है तो आप अप्लाई करके देख सकते हो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से सेकंड ब्लर मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरीके का जो है वो लुक आता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक लैंड, जब लैंड करते हैं तो उखड़ता है ज़मीन, मतलब धूल गर्दा उड़ता है। तो इस टाइप का हम लोग एक ग्रीन स्क्रीन जो है डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे एस इम्पोर्ट, और यहाँ पे जो है हम लोग इसको करते हैं यहाँ से अप्लाई अपने ग्रीन स्क्रीन को। आपको ये आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा बहुत सारे इफेक्ट। और यहाँ से हम लोग सिंपल सा, आपको पता है ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाना है, यहाँ से जाएंगे और सेटिंग इफेक्ट पर, और यहाँ से करेंगे अल्ट्रा की। अल्ट्रा की करने के बाद यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल पर, और यहाँ पेन टूल सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे जो है ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। उसके बाद सिंपल सा यहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, कि जहाँ हम जब लैंड करते हैं, जिस मोमेंट पर लैंड करते हैं, उसी समय जो है नीचे से वो ज़मीन फटे और उछले, और फाइनल रिजल्ट आपके सामने ये रहा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। और यदि आपके दिमाग में कोई टॉपिक है एडिटिंग से रिलेटेड, किस टॉपिक को बताओ बनाओ, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।